जो संस्था है उसका नाम? मेरा नाम हरबंस सिंह है और ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे चारोटी नाका से मानवाधिकार मिशन में महाराष्ट्र प्रभारी हूँ मैं। और यहाँ हाईवे पे या और जनरल जो भी लोगों की तकलीफ है, प्रॉब्लम है, खास करके हाईवे होने की वजह से आए दिन दिन रात दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, उसके ऊपर विशेष ध्यान देते हुए हम लोग विशेष काम कर रहे हैं। ये काफ़ी गंभीर है कि यहाँ पे समस्याएं, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्लैक स्पॉट हैं कई, वो ब्लैक स्पॉट पे आए दिन रात को भी दिन में भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इनकी रोकथाम के लिए या दुर्घटनाएं कम करने के लिए जो भी संबंधित कंपनी है, टोल कंपनी है या NHAI है, इनका कोई ध्यान नहीं है। ये टेम्पररी काम करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचना, समय पे क्रेन नहीं पहुंचना, पेट्रोलिंग गाड़ी का फ्रीक्वेंसी नहीं है, पेट्रोलिंग गाड़ी 4 घंटे के बाद वहाँ पे स्पॉट पे विजिट होना चाहिए, 12-12 घंटे में पेट्रोलिंग गाड़ी जाती है। इस वजह से जो गाड़ियाँ हाईवे पे ब्रेकडाउन होती है या कोई बंद पड़ी गाड़ी है उसके पीछे लाइट नहीं होने की वजह से, अभी तो बारिश का समय है तो गाड़ी नहीं दिखती है, बंद गाड़ी, खड़ी गाड़ी, तो दूसरी गाड़ी उसके पीछे आके डैश हो जाती है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ये समय पे नहीं हटाने की वजह से बहुत से लोगों की जान जा रही है। चारोटी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उड़ान पुल, ये भी डिज़ाइन ही गलत होने की वजह से है, इस पर रोज़ आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं, मोटरसाइकिल वाले मर रहे हैं, कार वाले, फोर व्हीलर, ट्रक, बीच में हेलोजन का टैंकर सिलेंडर भरा हुआ ट्रक ब्लास्ट हुआ, ड्राइवर जल के मर गया, उसके पहले ब्रिज नहीं था तभी भी दुर्घटनाएं हो रही थी, ब्रिज बनने के बाद भी दुर्घटनाएं हो रही थी। अगर खास करके बात की जाए IRB की, तो उसमें उन लोगों के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस होनी चाहिए, उसके नंबर्स होने चाहिए, ये जो कहीं कहीं पर नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि गुजरात में 108 लिखा है, यहाँ पर तो नंबर ही नहीं लिखा है, तो ये कितनी गंभीर भूल है? नहीं, ये मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, इस पर भी हमने काफ़ी कुछ इनको सवाल पूछे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है। हर टोल नाके पे बोर्ड लगना चाहिए, उसके ऊपर लोकल हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस का नंबर, क्रेन का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर और फ्री सर्विस नंबर, टोल फ्री सर्विस नंबर। लेकिन वही पुराने लैंडलाइन के नंबर हैं, लैंडलाइन नंबर बंद होके भी कई साल बीत चुके हैं, वो नंबर अपडेट नहीं कर रहे हैं। और बड़ी एक मतलब खेदजनक बात है, हमारे ध्यान में आई कि IRB के बोर्ड के ऊपर नरेंद्र महाराज का एम्बुलेंस का नंबर लिखा गया पाया, और एक नहीं दोनों टोल पे पाया गया। तो ये नरेंद्र महाराज जी संस्थान है, वो प्राइवेट सर्विस दे रहे हैं, उनका तो कोई लेना देना नहीं, कंपनी की एम्बुलेंस खुद की है, उनके पास खुद का नंबर है, तो उनका नंबर क्यों नहीं, ये हमने जब जानकारी पूछी तो उन्होंने नरेंद्र महाराज का नंबर मिटा दिया।
जब नरेंद्र महाराज का नंबर मिटा दिया, इनकी एम्बुलेंस अभी भी है, उसका नंबर भी है, वो नंबर डालना चाहिए था, वो नंबर नहीं डाला है अभी तक। ये सब क्या हो रहा है? इसके पीछे माजरा यही है, हमारी जहाँ तक खोजबीन हुई है और हमारी समझ में आ रही है कि इनको जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो डाटा छुपाना है, हिडन रखना है, चुराना है। एम्बुलेंस नहीं भेजना मतलब इनके रजिस्टर में एंट्री नहीं आएगी। कोई ना कोई तो, जैसे आज एक एक्सीडेंट हुआ, मैं अपनी कार में हॉस्पिटल लेके आया उस बंदे को, कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो या एम्बुलेंस है वो ला के हॉस्पिटलाइज कर देगी। इनकी आईआरबी की एम्बुलेंस जब हिलेगी तो वो रजिस्टर में एंट्री होगा, और एम्बुलेंस गई नहीं कॉल अटेंड करने के लिए तो उसका एंट्री नहीं होगा। इस तरह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट के आंकड़े ये लोग चुरा रहे हैं। अच्छा, तो इससे क्या हो सकता है? मतलब क्या ये लोग बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कौभांड है पैसे इकट्ठे करने का? इसमें पैसे का मुद्दा तो बगल में रह जाता है। हम जितना भी टोल भरते हैं उसके अंदर सुविधाएं देना NHAI ने उसके अंदर मेंशन किया है, एग्रीमेंट में भी वैसा लिखा है। वो सुविधाएं तो दूर, ये तो जीवन आवश्यक सुविधा है। आदमी के मरने का जीने का सवाल है, पीने का पानी, वॉशरूम, इसकी तो समस्या है ही है। लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँचना, आदमी की जान जोखिम में लेके, जो अगर कोई उसका रिलेटिव नहीं है, साथ में नहीं है, तो वो यहाँ पे छोटे हॉस्पिटल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। उसको तुरंत ट्रॉमा मेडिकल सेंटर में रिफ़र करना चाहिए ताकि वो समय पे उसको ट्रीटमेंट मिलने के बाद जान बच सके, और उसको ब्लड वगैरह की ज़रूरत हो, सिविल सर्जन की ज़रूरत हो, वो सुविधा यहाँ नहीं है। इसीलिए हर टोल पर एम्बुलेंस और क्रेन रखा गया है। अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है या उसका आप यूज़ नहीं करते हो तो वो पैसा दे के भी पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही है और सीधा मौत के मुँह में जा रहे हैं। सूरत से अगर चारोटी तक की बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और IRB जो है उसका कोई ट्रॉमा सेंटर है या फिर हम लोग उसको कहीं और जगह पर ले जाते हैं, ऐसा क्या है? हर टोल पे मेडिकल एड पोस्ट होना चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट में है, एम्बुलेंस के अलावा। और उधर डॉक्टर होना चाहिए और डॉक्टर के साथ साथ में मेडिकल ट्रेन पर्सन होने चाहिए। ये कोई भी सुविधा कोई भी चारों टोल पे नहीं है, अभी तक तो दिखने में नहीं आई है। इन्होंने सिर्फ एम्बुलेंस खड़ी रखी है, उसमें भी पूरा प्रॉपर ट्रेन स्टाफ नहीं है, और जैसे वैसे उसमें लेबर के तरीके से आदमी को डाल दिया जाता है और हॉस्पिटल में ये लोग पटक के चले आते हैं। ट्रॉमा सेंटर में ले जाने का सुविधा नहीं है। पूछने पर इनको, इनका जवाब था कि ट्रॉमा सेंटर गवर्नमेंट का बनाने का जिम्मा है, हमारा जिम्मा नहीं है। उसके लिए जब गवर्नमेंट जहाँ हॉस्पिटल बनाएगी ट्रॉमा सेंटर, हम उस पर ले जाके एडमिट करेंगे। हमारा ये कहना है कि जो अभी अगर ट्रॉमा सेंटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है तो IRB को उसकी अपनी एम्बुलेंस से उसको जख्मी को, पेशेंट को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराना चाहिए ताकि उसकी जान, वक्त पे जान बच सके। अच्छा, 108 की बात की जाए तो जिस तरह की अभी कहीं पर 108 का नंबर लिखा गया है तो क्या ये जायज़ है 108 का नंबर ये लोग लिख सकते हैं? देखिए, जब इनकी खुद की एम्बुलेंस है, इनके खुद के नंबर हैं, तो सरकारी 108 का नंबर तो कोई मायने नहीं रखता है लिखना, क्यों लिखा जाए? इनकी जब इनकी खुद की एम्बुलेंस है, IRP की खुद की एम्बुलेंस है, सर्विस है, तो फिर 108 का नंबर या नरेंद्र महाराज का बोर्ड लगना चाहिए, उसके ऊपर लोकल हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, एम्बुलेंस का नंबर, क्रेन का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर और फ्री सर्विस नंबर, टोल फ्री सर्विस नंबर। लेकिन वही पुराने लैंडलाइन के नंबर हैं, लैंडलाइन नंबर बंद होके भी कई साल बीत चुके हैं, वो नंबर अपडेट नहीं कर रहे हैं। और बड़ी एक मतलब खेदजनक बात है हमारे ध्यान में आई कि IRB के बोर्ड के ऊपर नरेंद्र महाराज का एम्बुलेंस का नंबर लिखा गया पाया, और एक नहीं दोनों टोल पे पाया गया। तो ये नरेंद्र महाराज जी संस्थान है, वो प्राइवेट सर्विस दे रहे हैं, उनका तो कोई लेना देना नहीं, कंपनी की एम्बुलेंस खुद की है, उनके पास खुद का नंबर है, तो उनका नंबर क्यों नहीं? ये हमने जब जानकारी पूछी तो उन्होंने नरेंद्र महाराज का नंबर मिटा दिया। जब नरेंद्र महाराज का नंबर मिटा दिया, इनकी एम्बुलेंस अभी भी है, उसका नंबर भी है, वो नंबर डालना चाहिए था, वो नंबर नहीं डाला है अभी तक। ये सब क्या हो रहा है? इसके पीछे माजरा यही है, हमारी जहाँ तक खोजबीन हुई है और हमारी समझ में आ रही है कि इनको जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो डाटा छुपाना है, हिडन रखना है, चुराना है। एम्बुलेंस नहीं भेजना मतलब इनके रजिस्टर में एंट्री नहीं आएगी। कोई ना कोई तो, जैसे आज एक एक्सीडेंट हुआ, मैं अपनी कार में हॉस्पिटल लेके आया उस बंदे को, कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो या एम्बुलेंस है वो ला के हॉस्पिटलाइज कर देगी। इनकी IRB की एम्बुलेंस जब हिलेगी तो वो रजिस्टर में एंट्री होगा, और एम्बुलेंस गई नहीं कॉल अटेंड करने के लिए तो उसका एंट्री नहीं होगा।
इस तरह से काफी सारे एक्सीडेंट के आंकड़े ये लोग चुरा रहे हैं। अच्छा, तो इससे क्या हो सकता है? मतलब क्या ये लोग बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कौभांड है पैसे इकट्ठे करने का? इसमें पैसे का मुद्दा तो बगल में रह जाता है। ये हम जितना भी टोल भरते हैं उसके अंदर सुविधाएं देना NHAI ने उसके अंदर मेंशन किया है, एग्रीमेंट में भी वैसा लिखा है। वो सुविधाएं तो दूर, ये तो जीवन आवश्यक सुविधा है। आदमी के मरने का जीने का सवाल है, पीने का पानी, वॉशरूम, इसकी तो समस्या है ही है। लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँचना, आदमी की जान जोखिम में लेके, जो अगर कोई उसका रिलेटिव नहीं है, साथ में नहीं है, तो वो यहाँ पे छोटे हॉस्पिटल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। उसको तुरंत ट्रॉमा मेडिकल सेंटर में रिफ़र करना चाहिए ताकि वो समय पे उसको ट्रीटमेंट मिलने के बाद जान बच सके, और उसको ब्लड वगैरह की ज़रूरत हो, सिविल सर्जन की ज़रूरत हो, वो सुविधा यहाँ नहीं है। इसीलिए हर टोल पे एम्बुलेंस और कर रखा गया है। अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है या उसको आप यूज़ नहीं करते हो, तो वो पैसा दे के भी पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही है और सीधा मौत के मुँह में जा रहे हैं। सूरत से अगर चारोटी तक की बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और IRB जो है उसका कोई ट्रॉमा सेंटर है या फिर हम लोग उसको कहीं और जगह पर ले जाते हैं, ऐसा क्या है? हर टोल दिखने में नहीं आई है, इन्होंने सिर्फ एम्बुलेंस खड़ी रखी है, उसमें भी पूरा प्रॉपर ट्रेन स्टाफ नहीं है, और जैसे वैसे उसमें लेबर के तरीके से आदमी को डाल दिया जाता है और हॉस्पिटल में ये लोग पटक के चले आते हैं। ट्रॉमा सेंटर में ले जाने का सुविधा नहीं है। पूछने पर इनको इनका जवाब था कि ट्रॉमा सेंटर गवर्नमेंट का बनाने का जिम्मा है, हमारा जिम्मा नहीं है। उसके लिए जब गवर्नमेंट जहां हॉस्पिटल बनाएगी ट्रॉमा सेंटर, हम उस पर ले जाके एडमिट करेंगे। हमारा ये कहना है कि जो अभी अगर ट्रॉमा सेंटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, तो IRB को उसकी अपनी एम्बुलेंस से उसको जख्मी को, पेशेंट को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराना चाहिए ताकि उसकी जान वक्त पे जान बच सके। 108 की बात की जाए तो जिस तरह की अभी कहीं पर 108 का नंबर लिखा गया है, तो क्या ये जायज़ है? 108 का नंबर ये लोग लिख सकते हैं? देखिए, जब इनकी खुद की एम्बुलेंस है, इनके खुद के नंबर हैं, तो सरकारी 108 का नंबर तो कोई मायने नहीं रखता है लिखना, क्यों लिखा जाए? इनकी जब इनकी खुद की एम्बुलेंस है, IRP की खुद की एम्बुलेंस है, सर्विस है, तो फिर 108 का नंबर या नरेंद्र महाराज का